खरगोन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा शनिवार को मुख्यालय पहुंचे, जहां पर वे सुभाषी हॉस्पिटल परिसर में चल रहे घर घर जागरूकता अभियान में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ घर घर पहुंचकर कांग्रेस की विचारधारा और रीति नीतियों का प्रचार करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बड़वाह विधायक सचिन बिरला सहित अन्य कांग्रेस नेता पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा कि अच्छा है, पार्टी से कचरा साफ हो रहा है। साथ ही कहा कि 2023 तक कांग्रेस में ओरिजिनल डीएनए वाले विधायक रहेंगे, जो कि 174 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाएंगे। विधायक रवि जोशी ने कहा 1 से 28 फरवरी तक कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाएगा। सदस्यता मतदाता सूची आकलन के साथ भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएंगे। उन्होंने गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सब एकजुट होकर 23 और 24 का चुनाव लड़ेंगे और गुटबाजी भाजपा में चरम पर है। भाजपा नेता एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। जय हिंद। यहाँ जनजागरण अभियान का ये हमारा एक दिवसीय ट्रेनिंग कैंप है, जो शाम को 5 बजे तक चलेगा और इसमें वरिष्ठ पत्रकार पीयूष बवेली जी, जो इंडिया टुडे, आज तक, भास्कर सब में रहे, विशेष विषयों पर वो भी यहाँ अपनी बात रखेंगे। वहाँ से नारायण पंत जी है और अवनीश भार्गव जी, जिन्होंने वर्धा में जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है नेशनल ट्रेनिंग्स, उससे इन्होंने ट्रेनिंग दी हुई है। ये विशेष विषयों पर ये अपनी बातचीत रखेंगे, महंगाई पे बातचीत रखेंगे, बेरोजगारी पर बातचीत रखेंगे और मैं समझता हूँ ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत ही लाभप्रद होगा। जब वो घर घर चलो अभियान में जाएंगे, जब वो जनसंपर्क जन जागरण यात्रा करेंगे, तो उनको वहाँ अपनी बात रखने का, लोगों के सवालों के जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। ये है हमारा जन जागरण अभियान, जो पूरे प्रदेश में हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को 10-10 लोगों को बुलाकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये एक परिवर्तन कांग्रेस के कार्यप्रणाली में एक विशेष परिवर्तन लेकर आ रहा है। ये हमारा नेशनल प्रोग्राम है। खबर मध्य प्रदेश के लिए खरगोन से प्रदीप खेड़े की रिपोर्ट।